विकास परियोजना के तहत खातीगांव विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामनेर के ग्राम कृष्ण नगर में बाल शिक्षा केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें इंग्लिश प्ले स्कूल की तर्ज पर छोटे छोटे नन्हे बच्चों को शैक्षणिक व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत दी जाएगी, जिसमें बच्चों को ड्रेस, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, बैग केंद्र में 10 बच्चों को निःशुल्क दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में महिला बाल विकास के 313 ब्लॉक है, जिसमें हर ब्लॉक में से एक आंगनबाड़ी केंद्र को पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओपन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत खातेगांव ब्लॉक के जामनेर पंचायत कृष्ण नगर के बाल कृष्ण शिक्षा केंद्र का शुभारंभ विधायक आशीष शर्मा, जनपद अध्यक्ष गुलाब बाई टाडा, महिला बाल विकास अध्यक्ष मनोज जामरे, सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद पटेल, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद विलोदा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। केंद्र में इसमें जो आने वाले बच्चे प्ले स्कूल के रूप में एक्चुअल विकसित किया जा रहा है इसको, और पूरे मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक में हर ब्लॉक में एक केंद्र को बाल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर बैग और जो भी पाठ्यक्रम है सारी चीज़ें शासन की तरफ से प्रदान की जाएंगी। और ये जो इंग्लिश प्ले स्कूल होते हैं उसकी तर्ज पे है, ताकि बच्चे अक्षर पहचान सकें, कोई भी फोटो देख करके जो है अपना जन्म मतलब मानस बना सकें कि ये क्या है, चित्र देख करके पहचान सकें, ताकि वो स्कूल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। आज महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बाल शिक्षा केंद्र भवन का लोकार्पण यहाँ पर कृष्णनगर में किया गया। निश्चित ही आज के समय में जो शहरी क्षेत्रों में प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को महिला बाल विकास विभाग ने अपनाया है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्ची इन स्कूलों में आएंगे, यहाँ पर उनको नए नए खेल सिखाए जाएंगे। खेलते खेलते कैसे अक्षर ज्ञान सिखाया जा सकता है ये यहाँ पर संभव हो सकेगा। बच्चों को भूख लगेगी, खिलाने की व्यवस्था है, नाश्ता भोजन, साथ ही साथ यदि वो थक जाएंगे तो उनके सोने की व्यवस्था भी इन स्कूलों में की गई है। निश्चित ही मैं इसे एक अच्छी पहल मानता हूँ।